दोस्तों मैं तैयार हूं मेरे लास्ट वीडियो के साथ इस श्रृंखला के। आज हम बात करेंगे मूलांक 9 और सारे भाग्यांक उसके 1 से लेकर 9 तक के। मूलांक 9 यानी क्या? कोई भी इंसान जिसका जन्म किसी भी वर्ष किसी भी साल के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को हुआ है तो उसको हम मूलांक 9 बोलते हैं, क्योंकि 18 यानी 8 + 1 = 9, 27 यानी 7 + 2 = 9। उसके बाद उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, उसकी जो टोटल आती है उसको मिनिमाइज करो, वो 1 से लेकर 9 में से किसी एक नंबर पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान का जन्म 18 जनवरी 2015 को हुआ, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, जनवरी का 1 = 10, 2015 का 10 + 2 = 12, 12 + 1 = 13, 13 + 5 = 18, 8 + 1 = 9 हो गए, तो उसका मूलांक भी 9 हो गया, भाग्यांक भी 9 हो गया। तो सबसे पहले हम 9 नंबर के लोग जो होते हैं ओवरऑल, जिनका मूलांक 9, 18, 27 है, वो कैसे होते हैं पहले हम सुनेंगे। मेरा ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है मूलांक 9 पे, आप वो सुनिए, उसमें और मजा आएगा। पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं 9 पे पहले बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये लोग दानशूर होते हैं, दानशूर कर्ण की तरह इनका स्वभाव होता है, बड़े दिल वाले होते हैं, समाज के लिए हमेशा कुछ करने की इनकी इच्छा होती है, मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को लेके चल के बड़े काम को स्वरूप देने का इनके अंदर बहुत बड़ा जज्बा होता है, गिवअप नहीं करते हैं जिंदगी में, बहुत कितनी भी मुश्किलें आ जाए लड़ाई करके ही निकलेंगे। इनके अंदर वो एक टेंडेंसी होती है कि अगर इनके छेड़ी कोई गया, इनको कोई इनका नुकसान किया, तो जब तक उसका बदला नहीं ले लेंगे तब तक ये शांत नहीं रहते। मीन्स मित्रों के साथ उत्तम मित्र और शत्रु के साथ सर्वोत्कृष्ट शत्रु, ऐसे ये लोग होते हैं। इच्छा शक्ति काफी प्रबल रहने के कारण किसी भी जीवन में आई हुई विफलता को अच्छी तरह से लड़कर ये आगे जाते हैं। इनको अपोजिट सेक्स के प्रति इनका आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, क्षमाशील भी होते हैं कभी कभी और खुद पे संयम भी रखते हैं। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे सारे नंबर सारे कॉम्बिनेशन की, पर उसके पहले एक मैं बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूँ। मेरे ये वीडियो के मुझे बहुत से रिप्लाई कमेंट वगैरह आए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके आंसर दूं। मैं ये जो सारे प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ ये 100 में से 90 लोगों के लिए एकदम बराबर आएंगे। 5% लोग ऐसे रहेंगे जिनका 60-40 रहेगा, 3% ऐसे रहेंगे जिनका 30% बराबर, और गिन के 1 या 2% लोग ऐसे रहेंगे जिनको ये कुछ भी मैच नहीं होता होगा। तो उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक पे से आपकी हर चीज पता नहीं चलती है, पर बेसिक पता चल जाता है। आपके नाम की स्पेलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, आपके पूरे डेट का कॉम्बिनेशन एक लोशो ग्रिड में डाल के देखना पड़ता है, फिर पता चलता है कि आप एग्जैक्टली कैसे हो। तो शायद मेरे ये वीडियो में से किसी को कुछ चीज 10-20% ना जमे या ऐसे विपरीत निकल जाए तो ये शास्त्र गलत नहीं हो सकता। बहुत सी चीजें देखनी है, हमको फायदा क्या लेना है इस चीजों का? आपको ये नंबर पता चलने के बाद आप खुद के बारे में सोच सकते हो आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और उसके साथ साथ आप आपके घर में आपके मित्र आपके बिजनेस पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर कोई होने वाला है उसके इस कॉम्बिनेशन को देख के आप समझ सकते हो कि उस व्यक्ति के साथ आप रह सकते हो या नहीं, उसका ये पर्पज है इस वीडियो का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एक एक करके सारे कॉम्बिनेशन की। सबसे पहला कॉम्बिनेशन मूलांक 9 और भाग्यांक 1, यानी कोई भी इंसान जो पैदा हुआ है 9, 18, 27 किसी भी माह किसी भी साल, वो जिसके डेट ऑफ बर्थ की टोटल 1 है, तो ये लोग क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, एक नंबर सूर्य का है जो ऑलरेडी आपको लीडरशिप देता है, 9 नंबर पराक्रमी है जो आपको हिम्मत देता है, तो 1 और 9 के कॉम्बिनेशन में जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी, एक अच्छा न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन समझा जाता है। इनफैक्ट मैं आगे 9 और 5 के बारे में भी बात करूंगा, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूं 9 और 1 के अंदर जो चीजें दिखेगी वही कॉम्बिनेशन 9 और 5 का भी रहेगा, यानी जो बातें मैं 9 और 1 के बारे में कर रहा हूं अभी वो सेम बातें 9 और 5 को भी एप्लीकेबल है, तो वो मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि 5 नंबर आपको कम्युनिकेशन स्किल देता है और 9 नंबर आपको हिम्मत देता है, तो उससे भी इंसान बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचता है। सो आइदर 9 और 5 इज अ गुड कॉम्बिनेशन एंड 9 और 1, तो दोनों में कॉमन क्या होता है देखिए, इनके जीवन में सफलता है मल्टीप्लाई होके मिलती है, मीन्स ये जो भी करने जाएंगे उसमें द्विगुणित सफलता मिलेगी इनको।
इनके जीवन में भौतिक सुखों की कमी, घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। जहां में जो जो ये बोलते हो, ऐसे अपन बोलते कि ये जैसे एक ऐसे झाड़ के नीचे बैठे हैं जिंदगी में, जिसके नीचे जो इच्छा करो वो पूर्ति होगी, ऐसा इनका जीवन होता है। 9 और 1 का बुद्धि काफी तेज होती है, नियोजन, आक्रामकता और कार्य करने की तैयारी, ये सब गुण जो सक्सेसफुल इंसान के लिए चाहिए वो इनके अंदर भर भर के होते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप इनका जीवन में जो जो चाहिए वो उनको मिलता है। इस नंबर के धनी जो है बहुत से लोग हैं। आरडी बर्मन साहब का ये डेट ऑफ बर्थ था 9/6/1957। आपको पता है कि उन्होंने कितने सालों तक हमारे दिलों पे राज किया है, जीवन का हर सुख उनको मिला है। इवन मैं 9 और 5 की अगर बात करूं तो ये अक्षय कुमार जो है, आप देखते हो कि वो जीवन में कितने सफल है, तो उनके लिए भी ये है। अब खाली 9 और 5 जब आएगा तब बोलूंगा, लेकिन इन जनरल 9/1 और 9/5 सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा 9 और 2। दोस्तों 9 नंबर किसका है? मंगल का, पराक्रम का, और 2 नंबर है इमोशन का। अगर पराक्रमी इंसान इमोशन के साथ हो, थोड़ा सक्सेस 9/1 के हिसाब से नहीं मिलेगा, पर जीवन में सक्सेस तो मिलेगा। तो ये, लेकिन इतना ही है कि इनको सक्सेस इजीली नहीं मिलेगा जैसे 9/1 को मिलता है, इनको संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए। अध्यात्म क्षेत्र, समाज कल्याण, अगर इस फील्ड में जाना चाहे तो जाना चाहिए, जिसमें इनको बहुत ज्यादा ये मीन्स सक्सेस मिलेगा जीवन में। इनको सबसे मेन खुद के मन पे संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद के निर्णय लेने की जरूरत बहुत अच्छी है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जीवन डिसिप्लिन अगर जिएंगे तो इनको, अब्सेंस ऑफ प्लानिंग अगर नहीं है इनके पास तो इनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, अदरवाइज जीवन में संघर्ष कायम रहेगा। इस नंबर को अगर मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं तो फिल्म एक्ट्रेस अमीषा पटेल का ये नंबर है, जिनका जन्म हुआ 9 जून 1976 को। तो इनके बारे में ऐसे हुआ कि वो अपनी सुंदरता के कारण शुरुआत में तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिट हुई, लेकिन बाद में कंसिस्टेंसी नहीं रही उनके एक्टिंग में, तो बाद में उनको बैकआउट होना पड़ा। तो आपको एक बार सक्सेस मिल जाएगा, लेकिन अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे 9 और 2 नंबर वाले, तो आपको वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अब मैं बात करूंगा 9 और 3। दोस्तों 3 नंबर गुरु का है, गुरु यानी भगवान की अलौकिक शक्ति आपके पीछे खड़ी है, और आप खुद 9 नंबर पराक्रम के लिए तैयार हो, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इनको लोगों को सम्मोहित करने की कला होती है, इनको देख के लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं। समाज कल्याण, टीचिंग, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, इस फील्ड में ये लोग जा सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहने के कारण राजनीति में भी बहुत अच्छा इनका नाम हो सकता है। ज्योतिष, रेकी, ऐसे ऑकल्ट साइंस में अगर जाए तो भी इनको बहुत सक्सेस मिलेगा। अगर इन्होंने कंसिस्टेंसी जीवन में रखी, किसी भी इंसान के लिए ये तो वैसे भी कॉमन गुण है, पर इनको बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये बहुत ज्यादा सफल होंगे। कम लक में, बेसिक चीजों में, जीवन में अचानक चमत्कार होने वाले लोगों में 9 और 3 होता है। आपको पता है कि बहुत कम एमपी के साथ, एक हमारे एमपी होके गए थे देवगौड़ा साहब, और बाद में वो हमारे देश के पंत प्रधान बने, तो वो इस कॉम्बिनेशन के थे। बुद्धिमान तो थे ही, पर नसीब लेके आते हैं ये लोग 9 और 3। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 9 और 4। 4 जो है वो क्रिएटिविटी का दबंग नंबर है, 9 नंबर आपके हिम्मत का है। तो 9 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ये जनरली आपको गवर्नमेंट ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, आर्मी में जाना है, उच्च पद पे जाने के लिए आपको हिम्मत देता है ये नंबर। आप ज्योतिष, रेकी, ऐसे भी विद्या में जा सकते हैं, कला क्षेत्र में भी जाओगे तो सक्सेस मिलेगा। इनका भी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो जीवन में बहुत उच्च पद पे पहुंचने के इनके चांसेस होते हैं। और इनके अंदर इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी होती है, ये जिस कला में जाएंगे उसमें इनका बहुत नाम होता है, मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल काफी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती है फराह खान, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1965। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करूंगा 9 और 5। मैंने 9 और 1 के समय बताया था 9 और 5 और 9 और 1 सफलता द्विगुणित बाय बर्थ, इनको हर चीजें मिलनी स्टार्ट हो जाती है, भौतिक सुखों की कभी कमी नहीं रहेगी, ऐसा नंबर होता है 9 और 5 का। ये 5 नंबर आने के खातिर रेस्टोरेंट, होटल, रिसोर्ट, मीडिया वगैरह, इस बिजनेस में इवन ये लोग अगर वकील या जज बनना चाहे तो भी उस फील्ड उनके लिए बहुत अच्छी है। इच्छा शक्ति और कार्यक्षमता बहुत उत्कृष्ट लेवल पे रहती है इन लोगों की।
और इनके फैमिली को इनको बहुत ज्यादा ऐश्वर्य सुख पहले से ही मिलता है। समतोल भी रखना आता है और कब आक्रामक रहना है ये भी आता है, इसके कारण ये जीवन में काफी सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन इनको जब सक्सेस मिलने लगता है तब इनके पांव जमीन पे रहने चाहिए, अगर अहंकार चढ़ गया तो फिर इनसे अपने इनके दूर हो जाएंगे। इस नंबर का एक अच्छा एग्जाम्पल काफी प्रसिद्ध हस्ती बॉलीवुड की अक्षय कुमार, जिनका डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 9 September 1967। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले नंबर की, जो कॉम्बिनेशन है 9 और 6 का। 6 नंबर शुक्र का है, भौतिक सुखों का, 9 नंबर पराक्रम का। तो इनका जो होता है दोस्तों, इनके बारे में ऐसे देखा गया है कि इनकी शादी में रुकावट होती है। इनके कुंडली में अगर मंगल और खराब ही रहता है, जनरली इनकी शादी या तो लेट होती है या तो नहीं होती। इसका एक एग्जाम्पल सलमान खान है, जिनका ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन इनको शुरुआती पीरियड में उतना सक्सेस नहीं मिलता है, पर संघर्ष के बाद इतना बड़ा नाम होता है ये लोगों का कि दुनिया इनको याद रखती है। सारे प्रकार के भौतिक सुख मिलते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। इनका कैरेक्टर हमेशा कुछ न कुछ विवादों से जुड़ा हुआ रहता है। ये ऐसे इनका जीवन चलता ही नहीं है कि बिना विवाद के आराम से कट रहा है, कुछ न कुछ विवाद ये करते ही रहते हैं, ऐसे इनका स्वभाव है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों 9 और 7। 9 नंबर है आपके मंगल का, 7 है केतु का। तो 9 और 7 के कॉम्बिनेशन में 7 नंबर जहां पे भी आ जाती है वो स्पीड ब्रेकर का काम करता है। मीन्स आपको सक्सेस मिलेगा पर स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। ज्योतिष, रेकी, व्यवस्था, मीडिया, समाज कल्याण, थोड़ी बहुत राजनीति या बिजनेस में आप किसी में भी जाओ आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत ज्यादा आपको परिश्रम करना पड़ेगा तो ही ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, अन्यथा ऑर्डिनरी पैदा हुए थे, ऑर्डिनरी जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा वाद विवाद होता है, इनके चाहने वाले भी इतने ही होते हैं, दुश्मन भी उतने ही लोग होते हैं, इनके पीछे इनकी निंदा करने वाले भी लोग बहुत होते हैं। लेकिन इनकी सबसे अच्छी बात होती है, इनको जब जब विपरीत परिस्थिति आती है लोग समझते हैं कि ये खत्म हो गया, ये इंसान फिर से उठ के तैयार होता है, इसके अंदर बहुत अच्छा गुण होता है। सेलिना जेटली बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इनका ये नंबर है, जिनका डेट ऑफ बर्थ था 9 June 1981। इन्होंने क्या किया कि इनके एक्टिंग बेसिस है इस पे कुछ नहीं, लेकिन बाद में शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई उसके बाद इनका जीवन बदल गया। तो ये भौतिक सुख खुद के दिमाग से खींच के ला सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोस्तों 2nd last number पे, यानी मूलांक 9 और भाग्यांक 8। 8 नंबर शनि का, शनि यानी संघर्ष। तो दोस्तों इनको भी बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगा पर संघर्ष करना ही पड़ेगा, बैठे बिठाए थाली में रोटी आने वाली नहीं है, स्टेप बाय स्टेप। ये लोग बहुत ज़्यादा समाज सेवा करना इनको अच्छा लगता है। इनकी सबसे अच्छी बात, इनके पास कोई भी अपना दुखड़ा रोके लेके आए ये उसको सबसे अच्छे समझा सकते और समझ सकते हैं। और इनका जन्म बहुत बार ऐसे समझो कि जन कल्याण के लिए, समाज को बदलने के लिए हुआ है। और इनके अंदर जो होती है ये गिव अप नहीं करते हैं लोग, ये बहुत मीन्स लास्ट तक लड़ाई लड़ते हैं। मेनली इनका जो दिल होता है लोगों को मदद करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला थे, जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 18 जुलाई 1918 था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अफ्रीका इवन बाद में पूरे वर्ल्ड के सेवा के लिए दे दिया था। अब दोस्तों हम आते हैं लास्ट पे 9 और 9, 2 बार 9, 2 बार मंगल। तो 2 बार मंगल होने के कारण इनको भौतिक सुख जो है, भौतिक सुख का मतलब घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ मिलेगा। इनको क्या होता है प्रॉब्लम कि जैसे जैसे इनको सफलता मिलते जाती है वैसे वैसे इनका अहंकार बढ़ते जाता है, और उसके कारण इनका जीवन ऐसे स्थिर नहीं रहता है, ऊपर नीचे, कभी सक्सेस कभी फेलियर, कभी बस इनको वैसे अनुभव आते रहते हैं। इनका वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो सकता है या बहुत ज्यादा वाद विवाद हो सकता है, तो इन्होंने समझ के लेना है पार्टनर को, पार्टनर इनको समझ के नहीं लेगा क्योंकि उनकी गलती है, क्योंकि स्ट्रांग मंगल है तो वो हमेशा शादी में रुकावटें डालता है। जब इनको सक्सेस मिलता है, मिलने की टाइम आती है, तब बहुत सारे अचानक प्रॉब्लम आ जाते हैं, लेकिन इनके जिद्दी स्वभाव के खातिर, पराक्रम के खातिर ये उस पर जीत पाते हैं। हमेशा कंसिस्टेंसी रखेंगे तो जीवन में बहुत सक्सेसफुल होंगे।
जनरली ये गवर्नमेंट पुलिस का जॉब या लाइक आप एक अच्छे नेवी में या मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो सैनिक वगैरह आर्मी में वगैरह ये लोग जा सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा का ये नंबर है जो 18/7/1982 जिनके शादी में बहुत प्रॉब्लम आए और बाद में हुई तो भी अपने से कम उम्र के व्यक्ति से करनी पड़ी, तो ये 2 बार 9 आने के खातिर कुंडली में मंगल का दोष तैयार होता है और जो विवाह में रुकावटें लाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी पूरी सीरीज जो हमने स्टार्ट, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले सारे 1 से 9 तक के मूलांक कवर किए, फिर मैंने सारे भाग्यांक एक वीडियो में बताए और फिर मैंने एक एक करके सारे नंबर के मूलांक और भाग्यांक ऐसी सीरीज कंप्लीट की। अभी मैंने ऑलरेडी अल्फाबेट 1 नंबर पे आने वाले सारे अल्फाबेट के बारे में बताया, 2 नंबर पे आने वाले बता दिए। अब आगे के वीडियो में हम बचे हुए अल्फाबेट्स देखेंगे कि उस अल्फाबेट से अगर आपका नाम स्टार्ट होता है तो आपने आपकी स्पेलिंग किस नाम पे लेके जानी चाहिए जिससे आपके लक चलेंगे और वो लोग कैसे होते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये मालूमात जो मैं दे रहा हूँ वो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी मेरा पैशन है, बस वो मैं पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू, अब तक के लिए आपका जो सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।